ज्यूरिसप्रूडेंस का चौथा स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल, और ये स्कूल कहता है कि लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। भाई वो कैसे, चलिए देखते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल में ये जो टर्म है ना सोशियोलॉजिकल, ये डिराइव होती है सोशियोलॉजी से, जिसके फादर हैं ऑगस्ट कॉम्टे। सोशियोलॉजी के फादर हैं ऑगस्ट कॉम्टे। लेकिन भाई सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, या यूं कह लीजिए कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। बट हम तो ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ज्यूरिसप्रूडेंस इज व्हाट, स्टडी ऑफ लॉ। यहाँ पे हमें तो लॉ के बारे में पढ़ना है, तो लॉ और सोसाइटी क्या कनेक्शन है? अब इसको सिंपल सी भाषा में यूं समझिए कि मुझे एक बात बताइए, लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए, राइट? एंड लॉ बनाया भी सोसाइटी के लिए जाता है और इसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी के ऊपर होता है, राइट? तो आपको नहीं लगता कि लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं? ठीक है, लगता क्या है इंटर रिलेटेड, क्योंकि बनाया भी सोसाइटी के लिए जाता है और इसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। और यही तो बात सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है। हमने सबसे पहले भी यही कह रहा कि सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है कि लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है भाई? ऐसे इंटर रिलेटेड है क्योंकि लॉ बनाया भी सोसाइटी के लिए जाता है और इसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। नाउ व्हाट इज सोशियोलॉजिकल स्कूल? तो ये एक ऐसा स्कूल है जो स्टडी करेगा लॉ को इन रिलेशन टू सोसाइटी, मतलब लॉ और सोसाइटी को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेगा। दैट इज व्हाट सोशियोलॉजिकल स्कूल इज। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल के डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट कैसे हुई? सोशियोलॉजिकल स्कूल की डेवलपमेंट जो है वो 19 to 20th century में हुई। 19 to 20th century में लेसर्स फेरे नाम का एक सिस्टम चल रहा था, और ये सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट जो थी वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती थी इकोनॉमिक डिसीजंस में। ओके, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती थी इन केस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस। इसका मतलब उस टाइम पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और वेलफेयर नहीं होता था, ठीक है, सोशल वेलफेयर नहीं होता था। बट धीरे धीरे टाइम चेंज होने लगा, टाइम चेंज हुआ, रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आया, चेंजेस आए, चेंजेस में लोगों की थिंकिंग में भी चेंजेस आए। अब धीरे धीरे सोचा जाने लगा कि यार इंडिविजुअल इंटरेस्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्यों ना हम सोशल वेलफेयर के बारे में सोचें। और जहां पे सोशल वेलफेयर आता है वहां पे सोशियोलॉजिकल स्कूल आता ही आता है। तो जैसे ही सोशल वेलफेयर आया, सोशियोलॉजिकल स्कूल वहां से डेवलप होना शुरू हो गया। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस था, बट बाद में क्या हुआ, सोशल वेलफेयर की नीड राइज हुई और फिर लोग सोशल इंटरेस्ट की तरफ जाने लगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सोशल इंटरेस्ट की तरफ जाने लगे, और इसी तरह से सोशियोलॉजिकल स्कूल डेवलप हुआ। दिस वॉज द मेन रीजन। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम ये पांच फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, वो है ऑगस्ट कॉम्टे। ये पांच फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑगस्ट कॉम्टे, डिगिट, आइहरिंग, अर्लिक एंड रॉस्को पॉन्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम डिगिट के बारे में। तो जी डिगिट के जितने भी आइडियाज हैं वो सभी आइडियाज इंस्पायर्ड हैं डर्काइम से, और डर्काइम के जो आइडियाज हैं वो इंस्पायर्ड हैं ऑगस्ट कॉम्टे के। इसका मतलब हम कहानी शुरू करेंगे ऑगस्ट कॉम्टे से, फिर हम आएंगे डर्काइम से, और फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे डुगेट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में। ऑगस्ट कॉम्टे ने कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और इनके कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, एक
है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो जैसे जैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे ग्रो करेगा, उसे एक गाइडेंस की जरूरत होगी। हम लोग हैं, हम लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वी नीड गाइडेंस। वैसे ही ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि जो साइंस है वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही है, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होगी ये सिर्फ गाइडेंस के थ्रू ही हो पाएगी। प्रोग्रेस साइंस की तभी हो सकती है जब इसकी गाइडेंस होगी, और गाइडेंस कौन करेगा? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स करेंगे। और ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट्स से बने होंगे। और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में कोई भी मेटाफिजिकल चीजें नहीं आएंगी। मेटाफिजिकल चीजें मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं आएंगी, मॉरल्स, भगवान, ये वो चीजें नहीं आएंगी। बस फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना, उसको एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस से हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बनाना है। ये कहा ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो ऑगस्ट कॉम्टे के इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हुए डर्काइम, और डर्काइम ने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया सॉलिडेरिटी का। सबसे पहले सॉलिडेरिटी का मतलब क्या है जी, गूगल करें तो इसका मतलब क्या आएगा? वननेस, या कह लीजिए यूनिटी, और हिंदी में बोलें तो एकजुटता। ठीक है जी। तो डर्काइम कहते हैं कि जो ये सोसाइटी है, ये दो तरीके से, दो तरह की नीड्स हैं सोसाइटी की, और उन्हीं नीड्स की वजह से सोसाइटी जुड़ी हुई है। एक तो है सेम काइंड ऑफ नीड्स, लोगों की सेम काइंड ऑफ नीड्स। सेम काइंड ऑफ नीड्स कैसे? जैसे हम लोग सेम रिलीजन के हैं, ठीक है, तो इसलिए हम जुड़े हुए हैं आपस में सोसाइटी में, या सेम कल्चर है हमारा इसलिए सोसाइटी जुड़ी हुई है, या हमारी सेम नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसलिए हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरी जो नीड्स हैं वो है डाइवर्स नीड्स, कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं टीचर हूं, कोई भी ABCD पर्सन डॉक्टर है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपने आप की ही डॉक्टर हूं, अपने आप की CA हूं, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है, ना CA की, ना डॉक्टर की, ना एडवोकेट की। मुझे सबकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो डॉक्टर है उसे भी सबकी जरूरत पड़ेगी, जो एडवोकेट है उसे भी सबकी जरूरत पड़ेगी। और हर बंदा हर रोल को परफॉर्म तो कर नहीं सकता है, इसलिए इसलिए सोसाइटी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। जो टीचर है वो सिर्फ टीचर का रोल निभा सकता है, डॉक्टर का नहीं, CA का नहीं, एडवोकेट का नहीं, इसे दूसरों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सोसाइटी में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होगा। ठीक है। तो डर्काइम ने क्या किया, जो सेम काइंड ऑफ नीड्स थी उसका नाम दे दिया मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और जो डिफरेंट नीड्स हैं हमारी, जैसे कि टीचर की नीड है, डॉक्टर की नीड है, एडवोकेट की नीड है, वो सारी नीड्स के कारण जो सोसाइटी जुड़ी हुई है उसे उन्होंने नाम दे दिया ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो उन्होंने कहा बेसिकली कि सॉलिडेरिटी क्या है, यूनिटी, एकजुटता समाज की। समाज जो है वो यूनाइटेड दो कारणों से रह सकता है, या तो सेम काइंड ऑफ नीड्स के कारण, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और या फिर डाइवर्स नीड्स के कारण, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। और जो ड्यूगेट थे वो डर्काइम के इसी कॉन्सेप्ट से, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होते हैं, और ये अपना कॉन्सेप्ट देते हैं सोशल सॉलिडेरिटी का। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिगेट ने सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को ही सोशल सॉलिडेरिटी कह रहे हैं। जो पीछे हमने ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पढ़ी ना, डिवीजन ऑफ लेबर वाली, जो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज करेंगे हम, इसी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को डिगेट ने कहा सोशल सॉलिडेरिटी। सो सोशल सॉलिडेरिटी इज नथिंग बट ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जब होती है, सोशल सॉलिडेरिटी जब होती है, तो उसमें होती है डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंटरडिपेंडेंट होने के कारण लोग जो हैं वो आपस में यूनाइटेड होकर, जुड़कर, एकजुट होकर रहते हैं। तो डिगेट ने कहा कि
हमारे ह्यूमंस जो हैं, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, उन सबका एंड सोशल सॉलिडेरिटी ही होता है। डिगिट के हिसाब से जितने भी लॉज बनते हैं, उन सबका भी मेन पर्पस क्या है? सोशल सॉलिडेरिटी। फिर डिगिट ने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट लॉ में भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक लॉ का भी मेन मोटिव है सोशल सॉलिडेरिटी, एंड प्राइवेट लॉ का भी मेन मोटिव क्या है? सोशल सॉलिडेरिटी। जब दोनों का मकसद ही एक है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। और ये कहते हैं कि कोई भी दुनिया में प्राइवेट राइट्स नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि अगर प्राइवेट राइट्स होंगे फिर तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही प्रमोट करेंगे, और हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाना है। हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में हैं और हम सोशल इंटरेस्ट को देखेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर को देखेंगे। सोसाइटी के वेलफेयर जहाँ पे होगा वहां पे कोई भी प्राइवेट राइट्स नहीं होंगे, ऐसा डिगेट ने कहा। ये थी इनकी थ्योरी और इनका कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन्होंने तो बस बात ही करी है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन लॉ क्या है इन्होंने वो नहीं बताया, है ना? ऐसा लग रहा है ना? तो इन्होंने क्या किया, इनका अपना क्रिटिसिज्म भी हुआ। इनके जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसका क्रिटिसिज्म में क्या है कि जो इन्होंने लॉ क्या है उसे कंफ्यूज कर दिया कि लॉ क्या होना चाहिए। इन दो चीजों में इनको स्टडी करना था, व्हाट इज लॉ, और ये कहाँ पहुंच गए कि लॉ कैसा होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था कि लॉ कैसा होना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने नेचुरल स्कूल में, नेचुरल लॉ में। तो इन्होंने बात कर दी नेचुरल लॉ वाली। सोशियोलॉजिकल स्कूल के होते हुए भी इन्होंने नेचुरल लॉ को कह लो कि प्रमोट किया, या नेचुरल लॉ की जैसी बात कर दी। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ इनका। और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन भैया दीदी ग्रेट था, इनकी कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच थी। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन तो ये था कि इन्होंने डॉक्ट्रीन ऑफ सोशियोलॉजी में से भी थ्योरी ऑफ जस्टिस को निकाला। थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करी डॉक्ट्रीन ऑफ सोशियोलॉजी से, सोसाइटी की स्टडी से ही इन्होंने जस्टिस के बारे में बात करी, ठीक है? और हाँ, ये इनके फेमस वर्क, इनके बारे में जरूर देख लीजिए, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट एंड द लॉ एंड द स्टेट। ये था सारा डिगिट के बारे में और कॉम्प्टी के बारे में। अगले फिलोसफर हैं हमारे आयरिंग। आयरिंग का चेहरा आप यहाँ पे देख लीजिए, सुंदर सी फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट। कलर करना है तो कर लीजिएगा एडिटिंग करके। तो इनका ईयर ऑफ बर्थ जो है वो है 1818, एंड इनका ईयर ऑफ डेथ है 1892। आयरिंग के एक सोशल यूटिलिटेरियन थे। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल के व्यू को रिजेक्ट किया। जो हिस्टोरिकल स्कूल कहता है उसे इन्होंने रिजेक्ट किया। अब हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो जो भी हिस्टोरिकल स्कूल कहता है आयरिंग ने उसको रिजेक्ट किया। और इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं। अच्छा जल्दी से रिवाइज कीजिए कि अभी अभी हमने किए फादर के बारे में बात, पहले भी वो किसके बारे में बात करी थी हमने, फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में किया था कि ऑगस्ट कॉम्टे भी एक फादर है। लेकिन अब वो कौन से फादर हैं, किसके फादर हैं, आप पिछले पीछे जाके देखिए और या फिर मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको याद है तो, ऑगस्ट कॉम्टे किस चीज के फादर हैं? और आयरिंग फादर है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। आयरिन का फेमस वर्क है द स्ट्रगल फॉर लॉ, जिसमें ये कहते हैं लॉ इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। ये था इनके बारे में छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रो। आगे चलते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनालिटिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल के जितने भी व्यूज हैं उनको कंबाइन किया था अपने थ्योरी में। इन्होंने कहा कि जब भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और सोशियोलॉजिकल इंटरेस्ट, आई एम सॉरी, इन्होंने कहा जब जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और सोशल इंटरेस्ट में लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, उस टाइम पर स्टेट की ड्यूटी होती है, स्टेट ही बोले तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और सोशल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए,
कि अगर किसी ने सोसाइटी के लिए अच्छा काम करा है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाए, अगर किसी ने बैड वर्क करा है सोसाइटी के लिए तो उसे कोरिजन पनिशमेंट दी जाए। कोरिजन का मतलब होता है पनिशमेंट, तो पनिशमेंट दी जाए। तो इनके हिसाब से क्या है कि लॉ का मेन मकसद क्या है? लॉ का मेन मकसद है सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना। अपनी इस थ्योरी से इन्होंने लॉ का मीनिंग भी बताया। ये कहते हैं कि व्हाट इज लॉ, लॉ इज अ कोअर्शन, मतलब लॉ को हम एक पनिशमेंट के रूप में देख सकते हैं कि अगर कोई सोसाइटी के लिए बुरा काम कर रहा है तो अगेंस्ट जा रहा है सोसाइटी के, तो उसे हमें पनिश करना चाहिए। सोशल इंटरेस्ट के अगर कोई अगेंस्ट जा रहा है तो उसे पनिश करना चाहिए। तो ये इन्होंने बोला अपनी इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में। तो भाई आयरिंग को भी क्रिटिसाइज किया गया। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये तो बता दिया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट के बीच में होगी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसे सॉल्व करना चाहिए बाय प्रोटेक्टिंग सोशल इंटरेस्ट, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट होगा वो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। यही तो इनका मेन क्रिटिसिज्म था, ये यहाँ पे मार खा गए। अगर ये बता देते तो काफी हद तक इनकी थ्योरी ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन जान लेते हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन ग्रेट था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जैसे लॉ जो है वो कोअर्सिव नेचर का है, ये कहने से ही, सिर्फ इतनी बात कहने से ही इन्होंने सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन रखी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लॉ का नेचर स्टेट कर दिया यहाँ पे कि लॉ का नेचर कैसे का है, इट इज कोअर्सिव। ठीक है, तो ये कहा आयरिंग ने। अभी तक हमने क्या किया, चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने जी ये किया कि लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है, स्टडी ऑफ लॉ इन रिलेशन टू सोसाइटी, कैसे डेवलप हुआ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सोशल इंटरेस्ट की तरफ हम जब गए तो सोशियोलॉजिकल स्कूल डेवलप होना शुरू हो गया। कब डेवलप हुआ, इन 19th to 20th century। इसके फिलोसफर्स डिगिट के बारे में बात करी, जो कि इंस्पायर थे डरकाइम से, और डरकाइम इंस्पायर थे ऑगस्ट कॉम्टे से। ऑगस्ट कॉम्टे ने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म के बारे में बताया कि जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करेगी उसे गाइडेंस की जरूरत होगी। गाइडेंस गाइड कौन करेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। और ऑगस्ट कॉम्टे से इंस्पायर हुए डरकाइम, डरकाइम ने कॉन्सेप्ट दिया सॉलिडेरिटी का। और सॉलिडेरिटी में इन्होंने कहा कि दो तरह की सॉलिडेरिटी होती है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। जहाँ पे सेम काइंड्स ऑफ नीड्स होती हैं वो होती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स होती है वहाँ पे होती है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को ही सोशल सॉलिडेरिटी कहते हैं डिगिट, और डिगिट कहते हैं कि हर बंदे को, मतलब कि जो भी काम करना है वो सोशल सॉलिडेरिटी के लिए करना है। लॉ का मेन पर्पस भी सोशल सोशल सॉलिडेरिटी है। और फिर आयरिंग आते हैं, आयरिंग है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, और इन्होंने बताया कि लॉ का नेचर जो होता है वो कोअर्सिव होता है। जब भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये सब थी अभी तक की। अब बात करते हैं एहरलिक के बारे में। एहरलिक ने कहा दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है फॉर्मल लॉ और एक होता है लिविंग लॉ। भाई फॉर्मल लॉ क्या होता है, इन्होंने कहा जो जजेस बनाते हैं या फिर जो बुक्स वगैरह में स्टैट्यूट्स में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्मल लॉ। और लिविंग लॉ क्या होता है, लिविंग लॉ होता है जो सोसाइटी बनाती है, और सोसाइटी का मतलब क्या है, मेन इन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में है उसे ही हम सोसाइटी बोलेंगे। तो जो सोसाइटी लॉ बनाती है उसे हम कहेंगे लिविंग लॉ, और जो जजेस या स्टैट्यूट्स बनाते हैं लॉ उसे हम बोलेंगे फॉर्मल लॉ। और ये बात, इनकी ये बात को रीड कीजिए, ये बात में इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी लीगल डेवलपमेंट्स होती हैं वो लेजिस्लेशन के कारण नहीं होती, वो जज मेड लॉ के कारण या फॉर्मल लॉ के कारण नहीं होती। वो सारी की सारी लीगल डेवलपमेंट कहां से होती हैं, वो सोसाइटी के कारण होती हैं। इन्होंने कहा जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है लिविंग लॉ उसका आगे बढ़ता है ना, उसके पीछे पीछे ही फॉर्मल लॉ आता है। फॉर्मल लॉ जो है वो लिविंग लॉ को फॉलो करेगा। अब आप खुद सोचिए, जज जज होने से पहले एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है? तो इसलिए जो फॉर्मल लॉ है वो लिविंग लॉ के पीछे चलेगा, ये बोला एहरलिक ने।
लेकिन इनका क्रिटिसिज्म भी यही हुआ कि इन्होंने लीगल एंड सोशल नॉर्म्स के बीच में कोई भी डिफरेंस ही नहीं किया, ये पता ही नहीं लगा पाए कि लीगल नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। भाई सोसाइटी जो बातें करती है ना लिविंग लॉ में, उसमें सोशल नॉर्म्स भी आ जाते हैं, सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं जैसे कि मॉरल वैल्यूज वगैरह। तो और जो लीगल नॉर्म्स होते हैं जजमेंट लॉ स्टेट्यूट्स, वो प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में होते हैं, उसमें सोशल नॉर्म्स वगैरह नहीं होते। तो इन दो चीजों में डिफरेंस ही नहीं कर पाए, ये था इनका क्रिटिसिज्म। और हाँ एक जरूरी बात, हम इनका ईयर ऑफ बर्थ और इनके ईयर ऑफ डेथ के बारे में भूल गए, जो कि आपके इंट्रो में काम आने वाला है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं रोस्को पाउंड, जिन्होंने बहुत ही अच्छे और डिटेल्ड वे से बताया सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में। इन्होंने बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड, मुझे इनका लगा, और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो इनका चेहरा याद कर लीजिए, और किसी का याद करें ना करें, रोस्को पाउंड का अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप यूं समझिए कि इनके चेहरे के आसपास ही हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। ठीक है, जस्ट किडिंग। इनका ईयर ऑफ बर्थ है 1870 और इनका ईयर ऑफ डेथ है 1964। ये थे एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर। देखिए ड्रेस से ही लग रहा है ना, ये कोट वगैरह पहना है तो लीगल स्कॉलर है भाई। इन्होंने बात करी थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, वो कैसे? देखिए ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि लॉयर्स जो होते हैं वो एक तरीके के सोशल इंजीनियर्स होते हैं। इन्होंने लॉयर्स एंड इंजीनियर्स में एक कंपैरिजन किया। वो कहते हैं कि जैसे इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपने स्किल्स को, अपने आइडियाज को यूज करते हैं नए नए डिवाइसेस बनाने के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। करते हैं कि नहीं करते? इंजीनियर्स का काम यही होता है ना कि उनके पास अपनी स्किल्स होती है, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जिससे वो नए नए डिवाइसेस बनाते रहते हैं। वैसे ही ये कहते हैं कि सोशल इंजीनियर्स जो होते हैं, सोशल इंजीनियर्स मतलब बोले तो लॉयर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, कि जो सोशल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाना। और इस तरीके से सोसाइटी का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाना है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस रहे सोसाइटी में एंड मिनिमम फ्रिक्शन रहे। मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या है कि भाई इस तरीके का सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाओ कि लोग जो हैं वो ज्यादा खुश रहें, और उनमें तनाव, उनमें लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ये सब चीजें कम हो। इस तरीके का सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाओ। और ये कहते हैं कि जो लॉ है, लॉ का मेन काम भी यही है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं उनको मतलब शांत करा सके, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में एक बैलेंस बना रखे। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी किससे बनी होती है? इंडिविजुअल से बनी होती है। इंडिविजुअल्स जहाँ पे ज्यादा होंगे तो वहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी ज्यादा होंगे, हर बंदे का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, और जितने इंडिविजुअल इंटरेस्ट उतने कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहते हैं कि लॉ का काम है इनके बीच में बैलेंस बनाना, इन इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस बनाना। आगे ये कहते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ भी इलीगल ट्रेड करने लग जाएं, कुछ भी गलत मलत बेचने लग जाएं सोसाइटी में, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कहते हैं कि स्टेट के पास एक पावर है कि हम कुछ गलत ट्रेड ना करें, इसलिए स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि हम कुछ गलत ट्रेड ना करें, इसलिए हमारे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ये जो हमारी फ्रीडम है ट्रेड करने की, वो इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम इलीगल ट्रेड करें, और रिस्ट्रिक्शंस भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम नॉर्मल ट्रेड भी ना कर पाए। इन दोनों में बैलेंस बनाना काम है लॉ का, रिस्ट्रिक्शंस के बीच में एंड हमारी फ्रीडम के बीच में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मेन फंक्शन ऑफ लॉ, लॉ का मेन फंक्शन ही है बैलेंस बनाना। लॉ का मेन फंक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करना। वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे? बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से हम लोगों में ज्यादा हैप्पीनेस बांट सकेंगे। फिर ये कहते हैं कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ना इन्होंने डिवाइड किया, तीन तरह के इंटरेस्ट होते हैं ये कहते हैं। एक होता है प्राइवेट इंटरेस्ट, एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट, और एक होता है सोशल इंटरेस्ट। अब भाई
जब मैंने अपने टाइम में ये पढ़ा था क्वेश्चन टॉपिक, तो उस टाइम पे मुझे कंफ्यूजन हुई थी कि सोशल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। आपको अगर समझ कुछ आता है इसका डिफरेंस तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं आता तो आई विल आंसर इन द कमेंट्स। तो ये कहते हैं कि जो लॉयर्स हैं, मोटी मोटी इन्होंने अभी तक बात क्या करी कि जो लॉयर्स हैं वो हैं सोशल इंजीनियर्स, और सोशल इंजीनियर्स का काम क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाना, इस तरीके से बनाना कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा खुशियां बटे, हैप्पीनेस बटे, और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, वो कम हो। तो ये कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग का काम क्या है, सोशल इंजीनियरिंग का काम है इंटरेस्ट के बीच में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में, इन इन तीनों तरह के इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस बनाना है सोशल इंजीनियरिंग का काम, जो कौन करेंगे, लॉयर्स करेंगे। भाई आगे इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये काम करना है, इन्होंने ये भी बताया कि कौन से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए सोसाइटी के। वो कहते हैं हर हालत में एक सोसाइटी के ये पांच इंटरेस्ट जो हैं ये प्रोटेक्ट होने ही चाहिए, और इन पांच तरह के इंटरेस्ट को इन्होंने बताया फाइव ड्यूरल पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए, और कहते हैं कि हर हालत में इन्हें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। जैसे कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर एग्रेशन, गुस्सा, हावी नहीं हो सकता, ये कौन सा लॉ कहता है आजकल, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, फिर ये कहते हैं अगर मैंने कोई भी डिस्कवरी की है तो मुझे पूरा राइट है कि मैं उस डिस्कवरी को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाऊं। ये कौन सा राइट होता है बताइए, ये कौन सा होता है, पेटेंट राइट होता है ना, तो लॉ ऑफ पेटेंट्स। तो इन्होंने लॉ ऑफ पेटेंट्स के बारे में बात करी। फिर ये कहते हैं कि जो भी हम प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल होने चाहिए, ये कहां पे होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। फिर ये कहते हैं कि किसी की भी ड्यूटी है कि वो दूसरे बंदे को इंजरी ना करे, किसी को भी इंजरी ना करे, ये कहां पे पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। ठीक है, तो इन्होंने ये काफी सारे लॉज के बारे में बात करी है यहाँ पे कि ये हर हालत में ये पांच तरह के पोस्टुलेट्स को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, ये लॉ की ड्यूटी है, ये सोसाइटी की ड्यूटी है। और पांचवा है कि अगर कोई भी हार्मफुल चीज आ गई है सोसाइटी में तो उसे प्रॉपरली बाउंड में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लॉयन रखा है तो भाई उसे एक प्रॉपर बाउंड्री में रखें, ये नहीं है कि उसे खुला छोड़ दो क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए। ऐसे ही कोई बड़ी सी मशीन है तो उसे भी एक प्रॉपर जगह पे रखो, ये नहीं कि उसे सोसाइटी में ऐसे ही ओपन रख दो, अगर वो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है तो उसे एक प्रॉपर बाउंड लगा के रखो, बाउंड्री में रखो। तो ये कहाँ पे होता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। तो भाई रॉस्को बाउंड ने कहा कि हर हालत में एक सोसाइटी को ये पांच तरह के जो हमारी नीड्स हैं इन्हें सिक्योर करना चाहिए, इन पांच तरह के इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए। फिर इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ, और ये बहुत सिल्ली सी बात मुझे लगती है और अच्छी भी है, इजीली याद भी हो जाएगी, कि वैसे तो ये बात कर रहे हैं हैप्पीनेस के बारे में, बट इंजीनियरिंग इज नॉट अ हैप्पी वर्ड। जो इन्होंने कहा ना सोशल इंजीनियरिंग से हम ये हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, बट इंजीनियरिंग जो वर्ड है इसमें ये खुद ही एक हैप्पी वर्ड नहीं है, हैप्पी से कोई भी रिलेटेड या सिनोनिम वर्ड नहीं है। और इन्होंने जो इंटरेस्ट की क्लासिफिकेशन करी, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, वो हमारे इस थ्योरी में किसी भी काम की नहीं है। फिर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इन्होंने ये बताया कि जजेस एंड लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेन तो इन्होंने ये बात करी है बहुत बढ़िया कि जजेस एंड लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि वो हर हालत में इन सोसाइटी के कम से कम इन पांच तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके ही रखें। ये इन्होंने बात करी थी, ये इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और आज भी हमारे ये लॉज हैं। देख लीजिए, क्रिमिनल लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ पेटेंट्स है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इनके ये ड्यूरल पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रॉस्को पाउंड का टॉपिक इन्हें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी तक हमने सारा सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ लिया है, अब बात करते हैं क्या सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंडिया में भी है या नहीं है।
कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, किया जाता है ना भाई। देखिए ना, ये पांच तरह के जो लॉज हैं, सबसे पहले देखिए कि ये पांचों के पांचों लॉज हमारे इंडिया में हैं, यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, ड्यूरल पोस्टुलेट्स इंडिया में। तो भाई सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंडिया में यूज की जाती है। अब एक केस था यहाँ पे, केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, जो भी है आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, प्रोनाउंस कर सकते तो कर लीजिए। तो इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 46 है वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और ये हर हालत में फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता है। और ऐसे ही सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी जो कोर्ट थी उसने सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में ही ध्यान में रखा था और उसी हिसाब से ही फैसला लिया था। ऐसे ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जहां पर सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को, सोसाइटी की बातों को भी ध्यान में रखा गया था। भाई अभी तक हमने जो पढ़ा उस सब में कंक्लूजन क्या निकल कर आया? मेन कंक्लूजन यही है कि जो लॉ है वो सोसाइटी से रिलेट करके पढ़ता है हमारा सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जल्दी से रिवाइज करें तो क्या करा अभी तक हमने? हमने ये सब कुछ करा कि लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फिर हमने इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सोशल इंटरेस्ट में जब हम ट्रांसफर हो गए थे, शिफ्ट हो गया था, तब सोशोलॉजिकल स्कूल की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी। पांच तरह के हमने इसके फिलोसफर्स पढ़े हैं। डिगेट इंस्पायर थे डरकाइम से, डरकाइम आगे ऑगस्ट कॉम्टे से, ऑगस्ट कॉम्टे ने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म के बारे में बात करी कि साइंस जो है वो गाइड की जाती है साइंटिफिक प्रिंसिपल से। डरकाइम ने दो तरह की सॉलिडेरिटी के बारे में बात करी, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। जहाँ पे हमारी सेम काइंड ऑफ नीड्स होती हैं वो होती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और जहाँ पे हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड होती है वो होती है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इसी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को डिगिट कहते हैं सोशल सॉलिडेरिटी, और ये कहते हैं कि हर बंदे की जो एक्टिविटी होती है वो सोशल सॉलिडेरिटी के लिए ही होनी चाहिए। लॉ का मेन पर्पस भी सोशल सॉलिडेरिटी है। और आगे बात आती है आयरिंग की। आयरिंग ने कहा कि जब भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पर स्टेट जो है वो सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, आयरलिक के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि फॉर्मल लॉ जो है वो लिविंग लॉ को फॉलो करता है, और मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? सोसाइटी ही है। एंड रॉस्को पाउंड ने पांच ड्यूरल पोस्टुलेट्स दिए, एंड देन हमने किया इंडिया में इसका पर्सपेक्टिव। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर दो आप लोग ना, कम से कम 90%। मुझे ऐसा यूट्यूब कहता है कि आप में से कम 90% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, पूरी पूरी देखते हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और हाँ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे वहां पे मांग सकते हैं, ठीक है? मैं आपको वहां पे नोट सेंड कर दूंगी आपकी ईमेल वगैरह पे। पेड नोट्स आर अवेलेबल, ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी।